Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So nationalism in India हमारा chapter चल रहा था, हम class 10th की history पढ़ रहे हैं और class 10th की history में chapter number 3 है हमारा. वीडियो का फिफ्थ पार्ट है जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ तक किस किस बाउंड्री को छूने की कोशिश करी थी. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के अंदर पूरी तरीके से जो एम के गांधी थे यानी कि महात्मा गांधी जी, उनकी एंट्री होती है 1915 के अंदर और उसके बाद उन्होंने इन तीनों मोमेंट्स के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से जो अपने सत्याग्रह के वेपन्स थे यानी कि पूरी तरीके से सच के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इन्होंने इन तीनों आंदोलन के अंदर दिखाने की कोशिश करी थी. और हमने इसके बारे में ब्रीफली अपने और वीडियोस के पहले वाले पार्ट के अंदर देख लिया है. तो गाइज़ ये है हमारा 16, 17 एंड 18 चंपारण एपिसोड, खेड़ा एपिसोड और अहमदाबाद एपिसोड. उसके बाद फिर हमने ये देखा कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया था अंग्रेज़ों का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो टाइम पीरियड थी वो अगर आपको ध्यान हो तो 1914 से लेके 1918 के एंड तक लगभग ये वॉर चल रहा था. तो जब देश के अंदर वॉर चल ख़त्म हो गया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो अंग्रेज़ों ने यानी कि यूके के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया में मार्च रॉलेट एक्ट लगा दिया. इस रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमने देखने की कोशिश करी थी वो हुआ था. इसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसओबेंस मूवमेंट चलाया था, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह उन्होंने चलाया. एंड देन उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था और 1922 फरवरी के अंदर ये पूरी तरीके से जो गोरखपुर कांड हुआ था चोरी चोरा वाला, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, उसके बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया. तो गाइज ये पूरा टाइम लिमिट है कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्रांति हुई थी और इससे पहले वाले पार्ट में हमने सब कुछ पढ़ लिया है. एंड देन जब गांधी जी निकल के जेल से आते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने एक 11 शर्त रखते हैं, वो 11 अपनी मांगे रखते हैं, उन मांगों को मानने के लिए उन्होंने कहा कि या तो आप 11 मांगे मान लीजिए नहीं तो हम दांडी मार्च करेंगे. लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने उसमें करी थी तो बहुत बड़ी बात है ना. तो यहाँ पे ये चलाया उन लोगों ने दांडी मार्च और 1930 के बाद फिर उनको फिर से दोबारा क्या कहते हैं जेल में बंद कर दिया गया था और फिर जनवरी में उनको 1931 के अंदर उनको रिहा किया गया था. एंड देन फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लेकिन उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं होती है. एंड देन फाइनली सिविल डिसओबेंस मूवमेंट चलाया जाता है. उसके बाद लास्ट मूवमेंट देखा जो हमने, वो देखा हमने भारत छोड़ो आंदोलन. 8 अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में, देश भर के अंदर चलाया गया था और मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 के अंदर अपनी आज़ादी ले ली थी, है ना. इसके बीच बहुत सारी कहानियां हैं 1942 से लेके 1947 के बीच में. आने वाले समय में इसके बीच की सारी स्टोरी कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल की भी क्लासेस होंगी तो पॉलिटिकल की क्लासेस में अपन सारे के सारे लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो ये था पूरा ब्रीफली. अब हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि अपराइज ऑफ नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना यानी कि पर्सोनिफिकेशन रूपक हम ये देखने की कोशिश करेंगे. आपको याद होगा आपने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर हमने एक रोमानी कल्पना पढ़ने की कोशिश करी थी. रोमानी कल्पना ये होती है जिसमें हम किसी भी देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे पैदा होती है, यानी कि एकता और राष्ट्र की भावना पैदा करवाने के लिए हमें कथा, लोकगीत, लोकप्रिय प्रिंटिंग, प्रतीक, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसा कि गाने हो गए और हम उस तरीके के भजन सुनते हैं, उस तरीके की हमारी हिस्ट्री होती है, एक ही झंडा होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब है कि सनी देवल पाजी जैसी फीलिंग होना, माँ तुझे सलाम जैसी फीलिंग होना कि एक झंडे के लिए वो क्या कहते हैं लड़ गए. और कश्मीर के अंदर उन्होंने बहुत फेमस डायलॉग मारा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे.
तो ये एक एग्ज़ाम्पल इतना फेमस था, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी देश के अंदर, इवन भारत के अंदर, नेशनलिज्म की भावना कैसे पैदा हुई होगी। मूवमेंट तो हमने इतने सारे देख लिए, इस बीच वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, यानी कि राष्ट्रवादी भावना पनपना किसी देश के अंदर, उसको एकता के सूत्र में बांधना, यूनाइट कर देना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक वेशभूषा पहनने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमने सभी को एक साथ करने की कोशिश करी थी, वो एक देख सकते हैं कितना अनूठा हमारे देश के अंदर एक एग्ज़ाम्पल था। मतलब एक राष्ट्रवादी कल्पना जो होती है ना, वो ऐसी कल्पना होती है कि लोक गीत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग के अंदर बस जाती है, जैसा कि एग्ज़ाम्पल हमने इस फिल्म के अंदर भी देखने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इसकी शुरुआत किसने करी। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो करी थी अवेंद्र नाथ टैगोर जो है भारत माता को, मतलब पूरी जो हमारा नेशन है भारत को, उन्होंने भारत माता के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। इसलिए आज की डेट में हमारे जो प्रतीक है, हम गाय को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि भारत हमारी माता है। जैसे कि आपने फिल्म में देखी होगी, फिल्मों के अंदर भी दिखाने की कोशिश करी गई है, बहुत सी फिल्मों के अंदर दिखाया गया कि धरती मेरी माँ है और मैं इसके लड़ सकता हूँ। तो जैसे भारत देश के अंदर जितने भी हमारे वीर जवान सिपाही है जो बॉर्डर के अंदर लड़ाई करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस फीलिंग को लेके ही क्या कहते हैं, देश में बहुत सारे दुश्मनों से लड़ जाते हैं। तो अवेंद्र नाथ ने सबसे पहला इसका बहुत तगड़ी तरीके से पिक्चर बनाने की कोशिश करी थी। फिर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिख के दिखाने की कोशिश करी। इससे क्या करा कि पूरे के पूरे समुदाय को एक बांधने की कोशिश करी गई थी। तो अवेंद्र नाथ और बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे देश के अंदर इतनी अहम भूमिका निभाई और देश को एक यूनाइट करने की कोशिश करी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमने ये देखा कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे तिरंगा जो है, हरा और लाल, हरा पीला, पहला तिरंगा जो था 1906 के अंदर ये पहला तिरंगा बनाया गया था, और समय के साथ साथ आप देख सकते हैं इमेज जो है तिरंगा बदलता रहा। तो इसमें सबसे पहला तिरंगा डिज़ाइन करा गया था, इसमें 8 कमल हैं, देख सकते हैं आप, सारे 8 कमल हैं। इस कमल के अंदर 8 वृष प्रांतों के बारे में बताया गया है। एक चंद्र, अर्धचंद्र जो है हिंदू के बारे में है और मुसलमान के प्रतिनिधित्व को करता है। तो देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से वही दर्शाने की कोशिश करता है नेशनलिज्म। क्योंकि आपको याद होगा, आपने पहला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, उस पहले चैप्टर के अंदर जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, कहीं रोमांटिज्म की फीलिंग के बेस पे आई थी, यानी कि रोमानी कल्पना पे, उनके ड्रेस, उनके कल्चर, उनकी भाषा के बेस पे, और कहीं झंडा डंडा, और उसके बाद कहीं लोकगीत, इन सभी चीज़ों से किसी भी देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा होती है। तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल था। समय बीतता चला गया, समय बीतने के बाद भारत माता को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करी गई, एंड देन फाइनली 1921 के अंदर फिर एक झंडा लाया गया। 1921 में गांधी जी के केंद्र में चरखा रखा गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चरखा रखा गया और तिरंगे का ध्वज जो है लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। यह ध्वज मतलब एक दिखाने की कोशिश करता है, गांधीवादी आदर्श को दिखाने की कोशिश करता है, और पूरी तरीके से इस तरीके से हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई। इसकी वजह से हमने अंग्रेज़ों का सामना करा डटकर एंड तक, और हमने हिंसा नहीं करी, हम हिंसात्मक बने रहे, और अगर हम हिंसा करते तो शायद से हमारा जो प्राचीन इतिहास होता या जो आज की डेट में हमें आज़ादी मिली है वो उस तरीके से नहीं मिल पाती। तो प्राचीन काल में जब कला, वस्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृत, कानून, दर्शन, शिल्प, व्यापार, इन सब में जब हमने धीरे 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 करके अपने आप को फल फूल रहे थे, तो उससे क्या कहते हैं, हमारा समय जो है महान युग बन पाया और भारत जो है गुलाम से निकल पाया, एंड देन फाइनली हमने ब्रिटिश शासन के तहत अपने आपको आज़ाद करवाया, एंड देन उसके बाद वो सारे के सारे इस देश से निकल गए। तो मैं निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न पे अगर मैं पहुँचूँ, कंक्लूज़न यानी कि पूरे चैप्टर का कंक्लूज़न क्या है,
अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो बढ़ता हुआ गुस्सा था उसमें भारतीय लोगों के अलग अलग वर्ग के लोग थे, इसमें किसान थे, मजदूर थे, मतलब सभी लोग थे, कांग्रेस के नेता भी थे, सबकी अपनी अलग अलग परेशानी थी। आंदोलन जो था वो पूरा था एकता के सूत्र में सभी को पिरोना, ताकि पूरा देश जो है यूनाइट हो सके। अलग अलग आकांक्षाएं होने की वजह से भी हमने पूरी तरीके से लोगों को एक साथ रखने की कोशिश करी थी, वो एक अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन समय बीता, समय बीतने के साथ साथ हमने बहुत से समस्याओं का सामना भी करा, और सामने आपके इंडिया है, आज इंडिया आपके सामने खड़ा है। इसने बहुत सारे तख्तोताज झेले हैं और इतिहास गवाह है कि यहाँ पर अशोक से लेकर बाबर, हुमायूं तक कितने राजे रजवाड़े इस धरती पर रह के निकल के चले गए। लेकिन सिंपल सी बात है, हमारा भारत जो है उसकी एक अपनी ही अलग छवि बनी रही, और भारत पूरी तरीके से आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुआ है। तो भाई मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जो वीडियो एंड तक देख रहा है वो एक बार जय हिंद इस वीडियो के अंदर ज़रूर लिखे, क्योंकि अगर आपको सही मायने में भारतीय होने का गर्व है तो आप ज़रूर जय हिंद लिखेंगे, और आपको फील होगा कि यार मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस इतना ही है इस वीडियो में, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैप भाई देखो ढंग से बन नहीं पा रहा है, कई बच्चे लोग कमेंट करें भैया आपने तो मैप खुद से ही ढंग से नहीं बनाया, तो भाई हो जाता है ये, इसे बन नहीं पा रहा, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। सो वी हैव फिनिश थर्ड चैप्टर एंड देन अब हम मिलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर में, तो दिस इज इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।